जो तो आज का हम करने वाले एक नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट हो चुका था बच्चों लास्ट क्लास में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है एक्शन पोटेंशियल, जिसे नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। राइट एवरीवन, सो हाउ इज जोश इन द चैट बॉक्स बच्चों? नोटबुक्स तैयार है? क्योंकि नोटबुक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, तो इसलिए नोटबुक्स जरूर अपने साथ रखना। राइट किटू, हाय किटू, हाय साक्षी, हाय केमू, दीपा, सुरभि, रोशीन, सिया, एस स्क्वायर, रानी, अनुजा, अंबर चैटर्जी, सौम्या, विनीता, अनिल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। डू सब्सक्राइबर चैनल बच्चों, विदांत नीट मेडिजी चैनल इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स हम आपको कराते हैं ऑन दिस चैनल। सो क्विकली सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल फॉर योर नॉन स्टॉप प्रिपरेशन, ठीक है? एंड बच्चों येस, दिस इज आर टेलीग्राम ग्रुप, इस पर आप जुड़ सकते हो फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। जो भी चैनल पे होता है या जो भी वेदांतों पे नया कोर्स आ रहा है, उन सबका इन्फॉर्मेशन बच्चा लोग आपको मिलता है, ठीक है? उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। एंड बच्चों दिस इज योर प्रो सब्सक्रिप्शन। बच्चों प्रो सब्सक्रिप्शन क्या, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज अ प्रो सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 और आपको लग रहा है कि मुझे एक डिटेल पूरे साल भर का कोचिंग चाहिए, बिल्कुल जैसे हर एक चैप्टर को एक हफ्ता दिया जाता है, उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट होता है, फिर एक चैप्टर होता है, फिर उस चैप्टर का टेस्ट होता है, दिस इज व्हाट यू गेट इन दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। सिर्फ यही नहीं बच्चों, नेक्स्ट ईयर जब आप बिल्कुल एग्जाम के लिए अप्रोच करोगे, तो जो क्रैश कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोचिंग है और आपके स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है, यू डोंट नो कि उस चैप्टर को मैं कैसे करूँ स्कूल के लिए, तो हमारे वेदांतों पे आपको माइक्रो कोर्सेज भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज कोर्सेज, वो भी इस प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो बेसिकली वेदांतु प्रो एक प्रो है, जिसमें जब आप ज्वाइन करते हैं तो यू गेट अ प्रो, आपको माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं चैप्टर वाइज, यू गेट टेस्ट सीरीज, यू गेट चैप्टर वाइज टेस्ट ऑल्सो, एंड एक हफ्ते में एक चैप्टर टीचर कंप्लीट कराता है पर सब्जेक्ट। तो इससे आपको डिटेल स्टडी मिलती है बच्चों, और योर परफॉर्मेंस इज हाईली इंक्रीज्ड। तो बच्चों वक्त के साथ बदलिए, और अब कोचिंग तो पता नहीं हम कब जा पाएंगे, कब हम कोचिंग्स में पढ़ा पाएंगे, तो तब तक बच्चों यू कैन ज्वाइन आवर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। हैशटैग लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, राइट? तो ये हमारा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत अमेजिंग है। मैं खुद इसमें बैचेस पढ़ाती हूँ, जैसे नए बैचेस बनते हैं आप खुद एनरोल हो जाते हो उनमें, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टीचर टीचेस यू इन अ मोस्ट ऑसम वे बच्चों, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे अगर आप 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज योर सब्सक्रिप्शन कि येस मेरा टारगेट क्या है। अगर मैं नीट 22 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे उस पर क्लिक करना है, ठीक है? अगर आप उस पर क्लिक करते हो बच्चों, तो आपको साल भर का, आई एम टेलिंग यू पूरे ईयर का, द एंटायर ईयर प्राइस इज 15,000 रुपीज, 15,000 पे पूरे साल की फीस है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। लाइव क्लासेस में कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता, लाइव क्लासेस होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, 6:30 से 8:30 आपकी क्लास हो सकती है, 4 से 5 बजे आपकी क्लास हो सकती है, लाइव क्लासेस होंगी बच्चों सारी की सारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट कवर होंगे। हर 15 दिन बाद टेस्ट होता है, जो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसे हम कहते हैं फोर्टनाइटली टेस्ट। तो जितना हमने आपको पढ़ाया उसका फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, उस फोर्टनाइटली टेस्ट के बाद आपका कंप्लीट रिवीजन टेस्ट भी होगा, एंड इसी के साथ साथ यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है आपके स्कूल में कोई और चल रहा है और मुझे वो प्रिपेयर करना है टू गेट गुड मार्क्स, यू गेट माइक्रो कोर्सेज ऑल्सो, और ये माइक्रो कोर्सेज भी लाइव क्लासेज होती है, सो एवरीथिंग इज लाइव ऑन वेदांतु प्लेटफॉर्म, बट कोई मिस हो जाता है तो यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग। तो अगर आप सीधा 12 महीने का बच्चों सब्सक्रिप्शन लोगे, देन यू हैव टू पे 15,000 रुपीज, तब जब आप मेरा कोड यूज करोगे GAPRO21, ठीक है? द कोड इज GAPRO21। और अगर आपसे 1 month सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू हैव टू पे 7,000 रुपीज। तो 12 महीने लेने में ज्यादा समझदारी एज कंपेयर टू 1 month, राइट? यस बच्चों,
तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। सो ये सब चीज़ें बच्चों आपको मिलेगी, पूरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे आपको पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया जाएगा। चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज लाइव होंगे, कंप्लीट क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, असाइनमेंट भी मिलेगा, लर्निंग मटेरियल, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट बच्चों, ठीक है। सो एनरोल नाउ इन GA Pro 21 सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप ये मेरा ईमेल आईडी ले सकते हो बच्चों अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है। सो आई विल गेट बैक टू यू, दैट इज garima.goel@vedantu.com इज माई ईमेल आईडी, यू कैन सेंड मी अ मेल हियर, ठीक है। यस ओके। तो बच्चों ये हमारा आज का स्केड्यूल ऑफ द डे, सुबह का मोटिवेशन हो चुका है। 10:30 पे आज हमारा पार्ट वन शुरू हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन यू हैव टू सेशन ऑफ फिजिक्स एट 1:00 एंड 2:30। देन एट 6:00 एंड 8:00 यू हैव अनदर टू सेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो चले स्टार्ट करें बच्चों, हाउस द जोश, एक बार पानी पी लेती हूँ। यस जल्दी से। हेलो जैज, गुड मॉर्निंग जैज, कौन है भाई चैट बॉक्स में? मुझे क्यों नहीं पता जैज के बारे में, सबको पता है बस मुझे ही पता नहीं है जैज के बारे में, ऐसा कब से हो गया। चलो बच्चों नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम जब भी सेशन शुरू करते हैं मुझसे पहले एक चीज बोलते हैं, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स। तो आज का सेशन क्या करते हैं बच्चों, आरंभ करते हैं, ठीक है। आरंभ किया जाए आज का सेशन विद जी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो शुरू करें। यस तो बच्चों आज के सेशन में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सो दिस इज आवर सेशन प्लान, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हम करने वाले हैं, यानी कि इनिशियल पूरा चैप्टर एक्शन पोटेंशियल करने वाले हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ साइनैप्स। तो एक तरह से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट एग्जाम के लिए, जितने भी आपके सीनियर्स हैं मैं बता दूं वो सब आपको बता सकते हैं, जैज भी आपको बता सकती है, जैज यस। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अ बॉडी एक्टिविटी कंडक्ट्स एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो बच्चों देखो नर्वस सिस्टम क्या है, तो थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एम्ब्रियोनिक नर्व कॉर्ड से बनता है, किससे बनता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक नर्व कॉर्ड, एंड दिस नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या बच्चों इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और यही नर्व कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम को बनाती है। किसको बनाती है बच्चों, नर्वस सिस्टम को बनाती है, ठीक है। और ये जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, जो आपके बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो आपके लिम्स में जा रहा है, ठीक है। तो एक है हमारा CNS और एक है हमारा PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है बच्चों आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है बच्चों, ठीक है। जबकि जो PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर और दो सिस्टम आते हैं, लाइक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देन यू हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड यू हैव विसरल नर्वस सिस्टम एज वेल। तो ये सारे नर्वस सिस्टम आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अब सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट पे चलते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है। तो आपको फिगर दिख रही होगी बच्चा, बहुत ही प्यारी सी एक फोटो दिख रही होगी आपको, दिस इज योर एंटायर न्यूरॉन। न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये जो पहला बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, इसे कहते हैं सेल बॉडी, साइटोन। इसका दूसरा नाम हो सकता है सोमा। इसका तीसरा नाम हो सकता है पेरिकैरियन। क्या हो सकता है, पेरिकैरियन। जैसे कि होता है ना घर में, मम्मा आपको छोटू बुलाती है, पापा आपको छुटकी बुलाते हैं, बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं ना। यस बिल्कुल सही। सो इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एंड नेजल ग्रैन्यूल्स। तो बच्चों जो पहला पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसे हम सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। आपको पता है हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। इसमें एक नई चीज हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों, नेजल ग्रैन्यूल्स। बिल्कुल बेटा PDF भी मिलेगा। नेजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से। किससे बने होते हैं बच्चों, नेजल ग्रैन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से बने होते हैं। और आपको पता है राइबोसोम जहां पे होता है उसका क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है बच्चों इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि ये वो साइट है जहां पे क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ RER एंड राइबोसोम, ठीक है।
Now, bachcho, coming to the next part, which is called as dendrons. What do you call this? The next part is called as dendrons. Now, what are dendrons? These are short fiber that project out of the cell body. ये छोटे छोटे fibers आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये छोटे छोटे fibers है जो कहाँ से निकले? सेल बॉडी से निकल रहे हैं. कहाँ से निकल रहे बच्चों? सेल बॉडी से निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है. तो ये जो छोटे छोटे फाइबर्स, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. और इन डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स. और ये रिसेप्टर्स किससे जुड़ते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर से. किससे जुड़ते हैं बच्चों? न्यूरो ट्रांसमीटर्स. अब आप कहेंगे कि मैम ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होता है? बच्चा, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? केमिकल मैसेंजर्स. तो ये केमिकल मैसेंजर्स किससे जुड़ते हैं? रिसेप्टर से. और ये रिसेप्टर कौन होते हैं? डेंड्राइट्स पे. तो यानी कि ये वाला न्यूरॉन इस वाले को सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल मैसेज. फिर से, ये वाला न्यूरॉन इस वाले न्यूरॉन को मैसेज देता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर, केमिकल्स के थ्रू, ठीक है. और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है. ये जैसे आपका सेल बॉडी है, ये आपके फिंगर्स है, ये आपके डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों? रिसेप्टर. तो ये केमिकल्स इससे जुड़ेगा, तो अब एक्शन पोटेंशियल इसमें भी दौड़ने लगेगा, राइट बच्चों? सो दिस इज हाउ डेंड्राइट्स रिसीव द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूरॉन. नाउ द सेकेंड पार्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इज द एक्सॉन. ये आपको दिख रहा है एक्सॉन फाइबर, ये सबसे लंबा पार्ट होता है बच्चों. इट इज अ लॉन्ग फाइबर, एक तरह का ये लॉन्ग फाइबर है, विच ट्रांसमिट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो ये सेल बॉडी से इम्पल्स को खींच के लेके जाता है उससे दूर. तो यानी जो सेल बॉडी के पास एक सिग्नल है, उसे ये कैरी करेगा दूर उससे, ठीक है बच्चों. Now each axonite ends in a bulb-like structure called as synaptic knob. और यही axon synaptic form की, synaptic knob की form में end करता है, जिसे हम कहते हैं axon terminal. क्या कहते हैं बच्चों इसे? Axon terminal, ठीक है. Next बच्चों, the type of neurons. Coming to the type of neurons बच्चों, we have three type of neurons: multipolar, bipolar, unipolar. अब आप सब figure देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या difference दिख रहा है. Everybody tell me what is the difference that you can see. तो multipolar में बच्चों dendrites बहुत सारे दिख रहे हैं. You can see the number of dendrites are more. But axon कितना है? One. तो axon तो one है. और या many हो सकते हैं आपके dendrons. Many हो सकते हैं बच्चों आपके dendrons. Bipolar में आपको याद रखना है कि एक ही axon होगा, एक ही dendron होगा. एक ही एक्सॉन होगा, एक ही डेंड्रॉन होगा. फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई. किस में मिलता है बच्चों? रेटिना ऑफ आई में मिलता है, एज वेल एज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, यानी नोज की एपिथीलियम में भी मिलता है. यूनिपोलर, यूनिपोलर में बच्चों सिर्फ एक एक्सॉन होगा, यानी कि इसके पास डेंड्राइट नहीं होगा. देयर विल बी नो डेंड्राइट इन केस ऑफ यूनिपोलर, एंड दे आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. किस में मिलता है बच्चों ये? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलता है. दैट्स इट. एडल्ट में आपको ये नहीं मिलेंगे. टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स. कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सॉन बच्चों, माइलिनेटेड एक्सॉन. हियर यू कैन सी. Now we have two type of axons. एक होता है myelinated, एक होता है unmyelinated और non-myelinated. Myelinated वाले के पास myelin sheath होती है, non-myelinated के पास myelin sheath नहीं होती है. तो अब आप देखिए कितना प्यारा डायग्राम है यहाँ पे. जो आपको ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जहाँ पे myelin sheath absent होती है. So basically node of रैनवियर वो जगह है जहाँ पे myelin sheath बच्चों absent होगी. myelin sheath will be absent, ठीक है. और ये myelin sheath कौन बनाते हैं बच्चों? This myelin sheath is formed by Schwann cell in PNS. तो this cell is the cell which is primarily responsible for the formation of myelin sheath. तो ये जो myelin sheath का formation है, वो कौन करता है? Schwann cell. और ये श्वान सेल कौन से सिस्टम में प्रेजेंट होता है बच्चों? पीएनएस में प्रेजेंट होता है. जहां माइलिन शीट एब्सेंट होती है, उस एरिया को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर. और ये माइलिन शीट किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है. सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर.
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो ये अपने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को गुजरने नहीं देती है क्योंकि इंसुलेटर है ना कि कंडक्टर। तो मजबूरन जो आप सिग्नल है उसे जंप करना पड़ता है, 1, 2, 3rd जंप, 4th जंप एंड 5th जंप। तो इस जंपिंग टाइप ऑफ कंडक्शन को फ्रॉम वन नोड ऑफ रानवेयर टू अनदर नोड ऑफ रानवेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सॉल्टेटरी कंडक्शन। गॉट इट बच्चों? एवरीवन इज गेटिंग इट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सब बच्चे लिख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं? जल्दी से एक बार मैम को बता दो बच्चों। डन। जंपिंग जंपिंग इज कॉल्ड अ सॉल्टेटरी कंडक्शन एंड दिस सॉल्टेटरी कंडक्शन इज सीन ओनली इन केस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, क्योंकि माइलिन शीथ एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। नाउ बच्चों, टाइप ऑफ एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन। श्वान सेल्स प्रेजेंट बट नो माइलिन शीथ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनके पास श्वान सेल तो होता है बट देर इज नो माइलिन शीथ। द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर के पास सिर्फ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ये वाले किस में मिलते हैं बच्चों? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। नेक्स्ट, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सबको समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन? टेल मी इन द चैट बॉक्स। सबको समझ में आया बच्चों? यस, सेल्फ स्टडी रॉक्स, बिल्कुल सही। अजय तिवारी ने देखो बच्चों कितनी इंस्पिरेशनल बात बोली है कि सेल्फ स्टडी रॉक्स, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ऐसी बात सुनकर तो मुझे खुशी होती है कि बच्चे सेल्फ स्टडी को इतना महत्व देते हैं। आई एम तो वेरी हैप्पी कि बच्चों ने इतना महत्व देना शुरू किया। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यस, आया सबको समझ में? आज कपिल का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कपिल, जन्मदिन आपको मुबारक। ठीक है, लाइक कर दो सेशन को। देखो बच्चे बोल रहे हैं रस मलाई क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों इसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक है यहाँ का। क्या है? सबसे टफ टॉपिक, बट इसको हमें मक्खन क्लियर करना है तो उसे समझना भी जरूरी है। सो एक्शन पोटेंशियल, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट ट्रेवल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरोन। It can be generated when a neuron membrane potential is changed by chemical signals from a nearby cell. तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, शब्दों को समझो, feel the words, feel करना आपको words को, ठीक है? Electrical charge that travel along the membrane, यानी आपकी body के अंदर current होता है। पहली बात तो ये समझो कि आपकी body के अंदर current होता है, उस current को हम बोलते हैं electric charge। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और ये जो करंट है ना, जब कोई छू देता है तो ऐसे दौड़ के आपके दिमाग तक चले जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। जैसे कि मैंने ये सिपर पकड़ा, ठीक है, अब ये सिपर पकड़ने के लिए जो सिग्नल आया, जैसे ये यहाँ रखा था, मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि चलो भाई इसको पकड़ो, पकड़ लिया। एंड दिस सिग्नल फ्रॉम माई ब्रेन टू माई हैंड केम इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपकी बॉडी में बच्चों जो भी काम होता है, इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बट ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सिग्नल। झोल है बच्चों, झोल है, झोल है बच्चों, झोल है। क्या झोल है? देखो ये एक न्यूरॉन है, लेट से वी हैव गॉट टू न्यूरॉन्स। चलो पेंसिल निकालते हैं, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो यहां से यहां तक गया, इसके पास भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो यहां से यहां तक गया, बट इस न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस न्यूरॉन तक जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल मैसेंजर, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले न्यूरॉन में भी करंट है, इस वाले न्यूरॉन में भी करंट है, बट आपस में अगर दोनों ने बात करनी है तो वो किसके थ्रू करेगा? केमिकल मैसेंजर के थ्रू। और इस केमिकल मैसेंजर को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सचिन कह रहा है मैम हर बार सेम पेंसिल। तो बेटा देख, तू मेरे को भेज दे नई पेंसिल। इस टाइम मैं देख बाहर तो खरीदने जाऊंगी नहीं नई पेंसिल, तो इसलिए तू ऐसा कर, जल्दी से भेज मुझे नई पेंसिल।
ठीक है, वो बचपन में होता है ना, बुलवाते थे बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, तो वही चीज है बच्चों. तो इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल. अब आपको शब्द समझ में आना चाहिए क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी न्यूरॉन में है बट दोनों का इंट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. इसके तीन स्टेप है, कितने स्टेप है बच्चों, तीन स्टेप है. पहला मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना है. एक्शन पोटेंशियल, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये तीनों चीजें हमें करनी है. सो लेट स्टार्ट बच्चों. आओ देखो जरा बच्चों, कितना प्यारा एक डायग्राम है. मैं इससे पहले शुरू करूं तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ, बेसिक अच्छे करने पड़ेंगे. ये है एग्जॉन, सही बात है नहीं है, बताते रहो कि मैम गलत तो नहीं है कहीं पे, तुम लोग को भी अटेंटिव रहना है. ठीक है, उम्र के साथ बच्चों ऐसा हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है, तो तुम लोग तो अटेंटिव रहो. तो अब ये देखिए, ये एग्जोन है, सही बात है. एग्जोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं एग्जोलेमा. क्या बोलते हैं बच्चों एग्जोन की मेम्ब्रेन को, एग्जोलेमा. और जो एग्जोन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं एग्जोप्लाज्म. क्या बोलते हैं उसको बच्चों, एग्जोप्लाज्म. ठीक है, तो एक्सोलेमा हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोप्लाज्म हो गया उसको साइटोप्लाज्म. सही बात है, समझ में आया सबको. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. ये जो मेम्ब्रेन होती है इस पे कुछ होते हैं गेट्स. बेटा हर घर का एक गेट होता है और वो गेट भी हमेशा सेम रहता है, ऐसे थोड़ी हम हर बार बदल देते हैं. तो जो ये गेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल. क्या बोलते हैं बच्चों, वापस से मैम के साथ रिपीट करो, इन्हें क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल. ये चैनल सिर्फ तभी ओपन होते हैं जब वोल्टेज में चेंज आता है. सही बात बच्चों, जब वोल्टेज में चेंज लाओगे तभी ये चैनल ओपन होंगे, वरना ये चैनल रहेंगे बंद. ठीक है, जो बाहर फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ECF. क्या लिखेंगे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में, ECF. ठीक है, और जो हमारा एक्सोप्लाज्म है उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, तो ICF. तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे एक्सोलेमा पे. अब आते हैं जरा इनके तीन स्टेप होते हैं बच्चों एक्शन पोटेंशियल के प्रोपोगेशन के लिए. एक होता है डीपोलराइजेशन, दूसरा है रीपोलराइजेशन, तीसरा है रेस्टिंग. तो एक एक करके हम इनको समझेंगे फिर आते हैं इसके ऊपर. तो पहला है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सबसे पहले आपको बताएं, आप सुबह सुबह आपकी बॉडी होती है रेस्ट पे, है ना बच्चों, सुबह सुबह एवरीबॉडी इज ऑन रेस्ट. आपका बस मन होता है कि बस सो रहे हैं तो सोते रहे, जिंदगी को एंजॉय करते रहे, कोई आके हमें ये ना बोले कि भाई उठ जाओ और काम कर ले. क्योंकि अगर सुबह किसी ने बोल दिया ना सुबह उठते ही कि चल पढ़ ले, चल काम कर ले, चल ये कर ले, तो आप कहते हो हाय गर्मी, दिमाग की गर्मी बढ़ जाती है सुन के. द सेम थिंग हैपन्स विद योर न्यूरॉन्स ऑल्सो. आपके न्यूरॉन्स होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी इस टाइम पे कोई भी स्टिमुलस नहीं है, नो स्टिमुलस. दिस इज अ टाइम वेन यू वी आर टॉकिंग अबाउट नो स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस बच्चों नहीं होता है. तो इस टाइम पे जो आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज योर एक्सोलेमा, ये आपकी एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा, एंड दिस इज योर एक्सोप्लाज्म. तो आप देख सकते हैं बच्चों जो एक्सोप्लाज्म है वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि जो एक्सोलेमा के बाहर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है. इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल नहीं रखा हमने, बाहर पॉजिटिव रखा है अंदर नेगेटिव रखा है. अब इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी ने खर्च करनी पड़ती है एनर्जी. क्या खर्च करनी पड़ती है बच्चों, एनर्जी. तो एनर्जी कैसे खर्च करता है वो, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, यानी कि दो पोटेशियम अंदर आएंगे मेम्ब्रेन के और तीन सोडियम बाहर जाएंगे. तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है बच्चों, बाहर ज्यादा है. ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, बाहर ज्यादा है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है बच्चों कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमेबल है पोटेशियम के लिए एज कंपेयर टू सोडियम. ठीक है, यानी कि जो ये सोडियम है ये अब अंदर नहीं आ सकता, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, बट पोटेशियम अंदर आ सकता है. तो यानी कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा है एंड ऑलमोस्ट इम्परमेबल है वो सोडियम के लिए. ठीक है, तीसरी चीज, कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बाहर नहीं जा सकता. सो मेम्ब्रेन बिकम्स इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आल्सो एंड प्रोटीन्स आल्सो. सो इन शॉर्ट, अंदर हमने रखा नेगेटिव,
बाहर हमने रखा बच्चों सारा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नाउ हियर यू कैन सी देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन एक्सोप्लाज्म इज हायर व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो। तो यहाँ से एक चीज क्या पता लगती है बच्चों, ये हमारी एक्सोलेमा है, तो बाहर सोडियम ज्यादा होगा, बाहर सोडियम ज्यादा है जबकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ज्यादा है। तो इसके कारण बच्चों अंदर हो जाएगा सारा नेगेटिव और बाहर हो जाएगा सारा पॉजिटिव। दिस फॉर्म्स एन आयोनिक और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसे कहते हैं एक्शन, क्या कहते हैं बच्चों, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो क्या बोला मैम ने। यस ओके यस, हर्ष दुबे जी आए हैं कहने के लिए कि मैम आप मस्त लग रहे हो। हर्ष दुबे बेटा नजर ना लगे तुझे, क्या कहे, ठीक है आ जाओ बच्चा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक बार वापस से देख लो। पहली चीज हमने क्या की, ये मेम्ब्रेन है, बाहर हमने पॉजिटिव रखा, अंदर बच्चों हमने नेगेटिव रखा, ठीक है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप यूज किया जिसमें 3 सोडियम बाहर गया, 2 पोटेशियम अंदर आया, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये देखिए बच्चों, ये आ जाओ जिफ ही देख लो, तुम लोग जिफ देख लो जरा, सी द जिफ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लो, जिफ देख लो। ये जितने भी पिंक वाले हैं ये सबके सब सोडियम है और जितने भी पर्पल वाले हैं वो सबके सब पोटेशियम है। तो आप देख सकते हो कि सोडियम बाहर कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम, और ये है आपकी मेम्ब्रेन। तो बाहर प्लस ज्यादा है, अंदर नेगेटिव ज्यादा है। सबको समझ में आ रहा है जिफ के थ्रू, देख लो जिफ देख लो, खूब सारी आजकल जिफ आती है ना चेष्टा देख लो। नेक्स्ट बच्चों, अब आते जरा इस ग्राफ पे। इस ग्राफ में ये क्या कहना चाह रहा है, थ्रेशोल्ड। इस ग्राफ को बच्चे लास्ट में समझेंगे क्योंकि अभी ना हमें एक स्टेप और समझना है जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन समझते हैं। सो पहला स्टेप हमने अभी तक किया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके अंदर मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। अब सेकेंड स्टेप बच्चों हमारे डीपोलराइजेशन पे। डीपोलराइजेशन वो स्टेप है जब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टिमुलस इज प्रेजेंट। तो जब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों तो क्या होता है, खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है बच्चों, खलबली मच जाती है, ठीक है। जब खलबली मचती है तो क्या होता है, आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं बच्चों, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। जैसे चैनल ओपन होता है तो आप इस जिफ में देख सकते हैं, यहाँ पे जिफ आपको दिख रही होगी बच्चों, कि सारा सोडियम बाहर से अंदर आ जाता है, यानी इनफ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट बच्चों। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, गॉट इट बच्चों। तो पहली चीज क्या हुई, पहले सब बिल्कुल ऐसे शांत था, शांत में क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कोई स्टिमुलस नहीं था। जैसे स्टिमुलस आया खलबली मच गई। खलबली में क्या हुआ, आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू हो गया। तो अब जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। बाहर नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि सारा सोडियम तो अंदर आ गया है, तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, हियर यू कैन सी, ये देख सकते हो आप बच्चों, आउटसाइड ऑफ एक्सॉन इनसाइड ऑफ एक्सॉन। पहले सारा आउटसाइड पॉजिटिव था फिर सारा नेगेटिव हो गया, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बट जैसे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, देखो अंदर पॉजिटिव आया, देखो कितना प्यारा फोटो है बच्चों, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसमें सारा बाहर पॉजिटिव है अंदर सारा नेगेटिव है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आप स्टेप नंबर 2 पे देखिए, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ तो अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो गया, बाहर नेगेटिव आना शुरू हो गया। तो यानी इस टाइम पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल चुके हैं, तो डीपोलराइजेशन हो रही है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखो डीपोलराइजेशन हो रही है, सारा सोडियम अंदर आ रहा है। अब इतने पार्ट में देखिए, ये डीपोलराइजेशन है, तो अब जो पीछे वाला हिस्सा है इट विल शो रीपोलराइजेशन।
तो पीछे वाला हिस्सा रीपोलराइजेशन में जा रहा है, डीपोलराइजेशन आगे जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे रीपोलराइजेशन चल रहा है, यानी थर्ड स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज रीपोलराइजेशन। बिल्कुल सही, चेष्टा ने बिल्कुल सही कहा, इसके बाद होगा रीपोलराइजेशन। तो अब रीपोलराइजेशन में क्या है, नाउ व्हाट इज इन रीपोलराइजेशन, देखते हैं यहाँ पे बच्चों। जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव होगा, डीपोलराइजेशन में इसके नेक्स्ट स्टेप होगा रीपोलराइजेशन, जिसमें आप बच्चों पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। कौन से चैनल ओपन होंगे बच्चों? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे बच्चों, तो अब पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करेगा, यानी इफ्लक्स होगा पोटेशियम का फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी सारा पॉजिटिव आयन अब अंदर से बाहर जा रहा है। राइट बच्चों? यस, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार जल्दी से मैम को बता दो, देखो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सही बता रहे हो, फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इतनी जान लगाने का भी कोई मतलब नहीं है अगर बच्चों को समझ ही ना लगे। राइट, तो यहाँ पे तीन स्टेप हमने किए। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। आपके बच्चों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नो स्टिमुलस, डीपोलराइजेशन में स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल खुला, सोडियम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आया। ठीक है, वहीं पे जब आपका रीपोलराइजेशन था तो इस टाइम पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, अंदर से बाहर गया पोटेशियम, तो इस तरीके से रीपोलराइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, यस। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये देखो ये पूरा ग्राफ है बच्चों, नाउ यू कैन सी एंड रिवाइज एवरीथिंग। यहाँ पे चलो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। सबसे पहले क्या हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, सोडियम पोटेशियम ATPS पंप चलाया, तीन सोडियम बाहर इन एक्सचेंज विद टू पोटेशियम, एनर्जी खर्च की। फिर आते डीपोलराइजेशन, ना डीपोलराइजेशन में स्टिमुलस आया बच्चों, जैसे ही स्टिमुलस आता है बच्चों, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल देखो खुल गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, तो सोडियम बाहर से अंदर आ गया, सोडियम बाहर से अंदर आ गया। राइट बच्चों, अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही अंदर पॉजिटिव हुआ, सोडियम चैनल देखो बंद हो गए, हियर यू कैन सी सोडियम चैनल बंद हो गए, सोडियम चैनल क्लोज। वहीं पे जो अब चैनल्स खुले वो कौन से थे बच्चों, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, तो अब पोटेशियम बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है, तो बाहर पॉजिटिव हो रहा है, अंदर नेगेटिव हो रहा है। नाउ दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। राइट, यस। नेक्स्ट बच्चों, साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, नाउ हाउ साइनैप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अकर। तो चलो अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लूं, आप लोग भी पानी पी लो। वॉच कैरी मिनाटी, क्या मिलेगा कैरी मिनाटी देख के, डॉक्टर बन जाओगे क्या कैरी मिनाटी को देख के? तो मैं भी देख लेती हूँ बच जाओगे तो बताओ बच्चों, मैं भी देख लेती हूँ। यस, बिल्कुल बताओ यार, अगर बन रहे हो तो बताओ यार, मैं भी देख लेती हूँ यार। पानी पी लो बच्चों। यस 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 यस। अच्छा मैम, ही इज अमेजिंग, ओ वो तो हमें पता ही है, ही इज अमेजिंग, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगर उसे देखने के बाद डॉक्टर बनते तो मैं भी आज से उसे देखना शुरू करती हूँ। यस, आई विल ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग हिम। यस, वाटर ड्रिंक ब्रेक, ये सिर्फ मैम की क्लास में होता है, जी स्क्वायर की क्लास में, कि मैम 2 मिनट देती है, जाओ पानी पी के आओ, जो करना है करके आओ। यस बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। बच्चों साइनैप्टिक ट्रांसमिशन क्या, कैसे एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगा, क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्नल कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगा। ठीक है मैम, प्लीज PDF प्रोवाइड कर देना बच्चा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और कम्युनिटी पेज पे मिलेगी, किसकी, NC हमारे टेलीग्राम ग्रुप की। अच्छा मनन कह रहे हैं बहुत, जी जी मैम रोस्टिंग, ओ ऐसा सब समझ गए, बहुत तेज हो गए आजकल सब अलर्ट रहते हैं मेरे चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ आजकल ना, मैं ऐसे खोजती रहती हूँ कि कुछ मिल जाए, बट कुछ मिलता ही नहीं है, सब सुधर गया, सबको पता है कि अगर कुछ पकड़ लिया मैम ने तो बस फिर। Yes, देख रही हूँ मैं आजकल बहुत तेज हो गए तुम लोग। बेटा निशु प्रिया को नींद आ रही है, बच्चों नींद आ रही है तो यहाँ क्या कर रही है बेटा निशु, सो जाके, तुझसे किसने कहा है कि आ,
आज जाके सो जा आराम से, कल से आराम से आ जाइयो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, जा जाके सो जा बच्चा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम नहा के आए हैं आज, कुछ कहते हैं आज हमें नींद आ रही है, कुछ कहेंगे कि आज हमने खाना खाया है। बेटा ये तो सब डेली का काम है, कुछ नई चीज बताओ यार, कुछ नई चीज बताओ, है ना। ये क्या पुरानी बातों में क्या रखा है मेरे बच्चों, नई चीज लेके आओ कुछ। यस बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ जाओ मैडम, आई लव यू। अरे यार आई लव यू टू, आई लव यू टू बच्चा। यस, एवरी स्टूडेंट हु इज सेइंग लव यू मैम, आई लव यू टू। यस, हैप्पी बर्थडे मैम। अरे थैंक यू यार, तुम्हारी विशेज मैंने रख ली बच्चा, थैंक यू सो मच तुम्हारी विशेज के लिए, बिल्कुल सही। अच्छा कशिश, कशिश कह रही मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं देते। क्या दे रही हो बच्चा, मैं तेरे को रिप्लाई तो दे रही हूँ, देख रिप्लाई दे दिया। आज सब मुझे 400 बच्चे देख रहे हैं, 410 बच्चे देख रहे हैं। कशिश, कशिश ने कहा है कि मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं देते, ये देख मैंने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। अब सब बच्चे सबूत है, कशिश, कशिश ये नहीं कह सकती कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने रिप्लाई उसे दे दिया, सबके सब सबूत है, ठीक है बच्चों। हाँ तुम लोग सबूत हो मेरे, मैंने दे दिया है, क्या रिप्लाई है उसको। यस तो बच्चों आज से ये मत बोलो मैंने रिप्लाई नहीं दिया, आई वोंट टेक दिस, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, साइनाप्स पे चलते हैं, न्यूरोनल जंक्शन। तो बच्चों दो साइनाप्स के बीच का रिश्ता क्या कहते हैं, साइनाप्स। क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के रिश्ते को कहते हैं साइनाप्स, जहां पे दोनों आके मिलते हैं, ठीक है। सो अ न्यूरोनल जंक्शन, न्यूरोनल जंक्शन का मतलब क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है बच्चों, ठीक है। यस, नाउ द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स बिटवीन टू नर्व सेल्स और बिटवीन अ न्यूरोन एंड अ ग्लैंड और अ मसल सेल। तो बच्चों एक न्यूरोन और मसल का रिश्ता क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, ठीक है। दो न्यूरोन के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, साइनाप्स कहलाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिश्तों के डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने रखे हैं। तो जो एंड पार्ट होता है किसी भी एक्सॉन का उसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, साइनाप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं उसे, साइनाप्टिक नॉब कहते हैं, बिल्कुल। तो साइनाप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, साइनाप्स जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का एक जंक्शन है। ये करंट वाला भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स भी हो सकता है, ये केमिकल साइनाप्स भी हो सकता है, ठीक है। यस Now here you can see, देखो बच्चों कितनी प्यारी प्यारी जिफ है, जरा देखो। अरे वो देखो रिश्ते को एम्पलीफाई करके दिखा रहे हैं, क्या जिफ बनाई है बॉस। ये देखो कितने सारे न्यूरॉन्स है, देख रहे हो कितने सारे न्यूरॉन्स है बच्चों, कितने सारे न्यूरॉन्स है। यहाँ पे हमने देखो फोकस किया है इन दो के ऊपर, ये देखो इन दो के ऊपर फोकस किया है क्योंकि इन दोनों के बीच में साइनाप्स बन रहा है, और उस साइनाप्स को अगर हम मैग्नीफाई करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये एक्सॉन टर्मिनल है जिसमें साइनाप्टिक वेसिकल्स भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर से। ये आपका डेंड्राइड है जिसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चों, रिसेप्टर। तो एक का एक्सॉन टर्मिनल एंड यस दूसरे के ऊपर क्या है बच्चों, यस डेंड्राइट के ऊपर है उसके रिसेप्टर। तो बहुत ही प्यारी जिफ है बच्चों जो आपको कंप्लीट इंसाइट देने वाला है। मैम सिंसियर स्टूडेंट आई डी इज ऑल्सो ब्लॉकिंग शिवाय, नो बच्चा इस चीज का कुछ करना पड़ेगा यार, इस चीज का करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को किसी ने ब्लॉक किया तो वो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। यस बिल्कुल बेटा, हम लोग बैठेंगे, ठीक है। हैशटैग नो ब्लॉकिंग, यस जस्टिस फॉर माई स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर जी स्क्वायर स्टूडेंट्स। बैठेंगे बच्चों, बैठेंगे हम सब एक साथ बैठेंगे, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है विच यू नीड टू फोकस इज अ गैप जंक्शन। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ये फास्टर कंडक्शन के लिए। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग एन एक्सॉन। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन देन इन केमिकल साइनाप्स। तो जब दो के बीच में गैप जंक्शन होता है जो ट्रांसमिशन की स्पीड है बच्चों वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू केमिकल सिग्नल। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों केमिकल साइनाप्स ये स्लोअर होते हैं क्योंकि केमिकल को रिलीज होने में टाइम लगता है, वहां पे तो गैप जंक्शन था, यहाँ पे गैप जंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो केमिकल है उसे निकलने में टाइम लगेगा, फिर वो जाके बाइंड करेगा, सो दैट वुड टेक टाइम। सो इन दिस बच्चों देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस साइनाप्टिक क्लेफ्ट
बिटवीन द प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन. तो यानी प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या है, जगह है. दैट स्पेस इज कॉल्ड एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट. क्या कहते हैं बच्चों स्पेस को, स्पेस को कहते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है. नाउ द प्री साइनाप्टिक रीजंस हैव स्वेलिंग कॉल्ड साइनाप्टिक नॉब. तो आपको पता है साइनाप्टिक नॉब होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं. तो जैसे ही सिग्नल आता है ये साइनाप्टिक वेसिकल बाहर निकलती है. ये देखो यहाँ पे बाहर निकलेंगी, फिर ये बर्स्ट करेंगी जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा जो अपने रिसेप्टर से जुड़ जाएगा एज टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है बच्चों. सो हियर यू कैन सी कितना प्यारा जिफ है. देखो यार इतना प्यारा जिफ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो, दिस इज न्यूरॉन वन, ये न्यूरॉन वन है, दिस इज न्यूरॉन टू. ठीक है, दोनों के बीच में देखो जो साइनाप्स है वो किससे ज्वाइन है बच्चों, गैप जंक्शन से. तो यहाँ पे कंडक्शन फास्टर होगा, बट ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं बच्चों. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल साइनाप्स में यहाँ पे कोई गैप जंक्शन नहीं है. नो गैप जंक्शन पहली चीज. दूसरी चीज क्या है बच्चों, जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया तो देख सकते हो आप साइनाप्टिक वेसिकल बाहर निकला, यू कैन सी हियर, फिर वो बर्स्ट कर रहा है, ये देखो बर्स्ट कर रहा है, फिर वो अपने रिसेप्टर से जुड़ रहा है और एक्शन पोटेंशियल अब इस वाले में जनरेट हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल साइनाप्स एंड केमिकल साइनाप्स. आया सबको समझ में बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस ठीक है. नाउ बच्चों इंपल्स रीचेज एट द एक्सॉन टर्मिनल. क्या स्टेप्स है, एक्सॉन टर्मिनल तक रीच करता है, साइनाप्टिक वेसिकल बाहर निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है किससे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का. तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. तो उसके लिए तैयार है ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, बिकॉज वी आर गोइंग टू रॉक द नीट एग्जाम. राइट बच्चों, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू नॉट मिस आउट बच्चों, प्रो सब्सक्रिप्शन है बच्चों. दीपांशु कपूर, अगर आपकी क्वालिटी, बेटा नेट की थोड़ी स्पीड बढ़ा, क्वालिटी बढ़ा बच्चा, फिर बढ़िया से दिखेगा. यस एंड बच्चों ये आपका प्रो सब्सक्रिप्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, अपनी तैयारी आज से शुरू करो, मत करो इंतजार वक्त नहीं, यू नो चेंज इज अ कॉन्स्टेंट. अगर अपने आप को बदलोगे बच्चों तभी तो आगे निकल पाओगे, अगर पीछे ही रहना है तो फिर ये तुम्हारी चॉइस है बच्चों. आई ऑलवेज से बच्चों कि अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि एजुकेशन इज अ यू नो टूल टू कॉन्कर द वर्ल्ड. यस एजुकेशन इज अ बेस्ट टूल टू कॉन्कर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है, प्यार भी बहुत मिलता है और आप एक बहुत ही अच्छे नागरिक बन के निकलते हैं. तो ये जो चीज है ना, ये तब आती है व्हेन यू डू अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर स्टडीज. जस्ट डोंट गो हेयर एंड देयर. मैं कहती हूँ ज्वाइन करो, यू नो गेट अ स्ट्रक्चर स्टडी. हर हफ्ते एक चैप्टर करो, उसके टेस्ट पेपर तुम्हें मिलेंगे, सब कुछ होगा, डिस्कशंस होगा, टीचर क्लास में है, 2 घंटे की लाइव क्लास है, ऑडियो कॉल्स पे टीचर से बात करो, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है क्लास की, ऐसा नहीं है कि 1000-2000 बच्चे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेट. तो इस तरीके से जब पढ़ाई होती है ना बच्चों, तो उस पढ़ाई का अलग ही मजा होता है. सो एक बार ज्वाइन करो, ठीक है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन ऑल द बैचेस बच्चों. तो ये आपका लिंक है प्रो सब्सक्रिप्शन का, जहाँ पे आप एक बादशाह बन जाते हो वेदांतु में आके, क्योंकि वी आर हेल्पिंग यू आउट. सो यू कैन यूज माई कोड GAPRO21, ठीक है. दिस इज GAPRO, वो ओ है बच्चों, वो जीरो नहीं है, तो आप गलती से गलत कोड मत डाल देना. दिस इज GAPRO21, ठीक है बच्चों. एंड यस वी वेदांतु हैज गॉट द यूजर चॉइस अवार्ड बिकॉज दिस इज रियली नाइस. यस मनन इरिटेट कर रहे हैं नेट, कोई बच्चा कोई बात नहीं, मनन खुद क्लासेस लेता है यार. मनन हम मेरे बैच में है, ही टेक क्लासेस. यस राइट मनन, मनन हमारे क्लासेस में आता है, मेरे बैच का स्टूडेंट है मनन. आई नो हिम वेरी वेल, मैं उससे बात भी कर चुकी हूँ, उससे लाइव चैट में देख भी चुकी हूँ, राइट वीडियो कॉल की थी हमने मनन. तो बच्चों ये हमारा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जिन्हें PDF चाहिए क्विकली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सारे PDF आपको मिल जाएंगे. यस
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आप कितना चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। या तो डर जाओगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हेजिटेट करोगे, या चेंज को एक्सेप्ट करोगे, फाइट करोगे और आज ही अपनी स्टडीज को डोंट स्टॉप करोगे। राइट बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून टुमारो इन अ नेक्स्ट सेशन एट 9:00 in the morning।